तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से साइंस में फिजिक्स का एक प्रकाश चैप्टर को लेकर आया हूँ। तो इससे पहले हम लोगों ने जान चुका था कि प्रकाश क्या होता है और तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी पहले वीडियो में जान चुके हैं। तो मैं हैंड रिटन नोट फिर से लेकर आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो ये देख सकते हैं, प्रकाश का किसी किनारे से मुड़कर दूसरे तरफ प्रवेश कर जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यानी जब क्या कहता है, ये देख सकते हैं उदाहरण में दिया गया है, ब्लेड के किनारे भागकर चमकना, परछाई का बनना इत्यादि। यानी जब ये देख सकते हैं कोई एक ब्लेड हम रखते हैं किसी लाइट के आगे में, जैसे हम किसी टॉर्च अगर उस ब्लेड पे मारते हैं, ब्लेड खड़ा रखे तो उसका वो वहाँ पे जैसे ब्लेड का किनारा जो है उस पे जो लाइट पड़ता है वो एकदम उस जगह से थोड़ा बैंड होके वो आगे चला जाता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि प्रकाश का विवर्तन इसी को कहते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। जब लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में गमन करती है, यानी जिसका आयाम और आवृत्ति दोनों एक जैसा हो और वो एक दिशा में गमन करे यानी एक दिशा में आगे जाए, तो उनके अध्यारोपण के कारण उनके आयाम में विवर्तन के माध्यम से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। यानी अलग अलग बिंदुओं पर उसका प्रकाश की तीव्रता जो है वो अलग अलग हो जाएगी, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। तो अब अगला है समपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या कह रहा है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि सिरिंग के साथ तथा गर्त गर्त के साथ मिले, तो इस घटना को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी ये जैसे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ये एक लाइन है, तो इस पर अगर क्या कहता है, यहाँ से कोई भी प्रकाश वेव की तरह अगर जाएगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर जाए, तो ये हुआ जो ये इसको कहेंगे सिरिंग, ये कहलाएगा ऊपर वाला भाग सिरिंग। वही जब ये नीचे आएगा तो इसे हम गर्त कहेंगे। आगे हम लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण क्या होता है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार हो कि सिरिंग गर्त के साथ तथा गर्त सिरिंग के साथ मिले, तो यानी सिरिंग किसको कहते हैं, ये वेव जो होता है उसको ऊपर वाला भाग को हम सिरिंग कहेंगे और नीचे वाले को गर्त कहेंगे। तो सिरिंग गर्त के साथ तथा गर्त सिरिंग के साथ मिले, तो इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पानी के बुलबुला कर रंगीन दिखना, यानी जब पानी में कोई भी हम डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसके में जब झाग बनता है तो उसका वो बुलबुला जो होता है वो रंगीन दिखेगा लाइट के संपर्क में। पानी की सतह पर तेल के परत का रंगीन दिखना, अगर पानी में हम तेल डाल दें तो उसका ऊपर वाला जो परत रहेगा वो चमकने लगता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे का यहाँ से ये जो कलर देख रहे हैं, यहाँ से आगे वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या होता है कलर।